Subscribe to Hunstack channel and hit on bell icon to see latest technology videos. गाइस वेलकम टू हंसटेक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओप्पो F7 के बारे में। ओप्पो ने आज ही अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसका नाम रखा है उन्होंने ओप्पो F7। तो इस वीडियो में मैं आज आपको इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओप्पो F7 के डिस्प्ले के साइज के बारे में। इसमें हमें 6.2 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2280 पिक्सल्स होगा। और इसके बाद इसमें हमें जो इसके एस्पेक्ट रेशियो है वो 90:9 है, यानी कि आपको iPhone 10 जैसी लुक मिलेगी। और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ iPhone 10 जैसा नॉच मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। जो ओप्पो F7 है उसमें हमें प्रोसेसर मिलेगा वो MediaTek का P60 मिलेगा, यानी कि P60 Helio प्रोसेसर मिलेगा, और जो 2 GHz क्लॉक स्पीड पर होगा और ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की। जो इसमें एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा वो एंड्रॉइड 8.1 ओरियो मिलेगा, जो इनके कस्टम UI पर बेस्ड होगा, कलर OS पर 5.0 पर ये बेस्ड होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। जो इसमें कैमरा मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डुअल रियर कैमरा का ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें सिर्फ हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और वो भी अपर्चर f1.8 के साथ, जिसमें हमें लो क्वालिटी कंडीशन में फोटोज अच्छी देखने को मिलेगी, और डुअल टोन LED फ्लैश मिलेगी रियर साइड। और इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। जिसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसमें हमें इनका एक ब्यूटीफाई ऐप 2.0 कर वहाँ पर लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया था कि हमारी एक ब्यूटीफाई ऐप आएगी, जिसकी मदद से 296 फेसियल रिकग्निशन इनकी ऐप है वो आसानी से रिकग्नाइज करेगी और बता देगी कि वह यूज़र की मेल या मेल है या फीमेल, और उसका कलर क्या है, उसकी जो बॉडी का कलर है वो क्या है। ये पूरी ऐप रिकग्निशन करेगी और जो आपकी सेल्फी है वो काफ़ी अच्छे से खींच कर देगी, क्लिक कर देगी। तो इसके बाद जो इसकी जो क्वालिटी होगी सेल्फी की वो HDR बेस्ड होगी, यानी कि आपकी जो क्वालिटी होगी वो ऑटोमेटिकली HDR एडजस्ट करेगा फ्रंट कैमरा। ऐसे इन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं अपने ओप्पो F7 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। जो इसमें बैटरी मिलेगी वो 3400 mAh की बैटरी मिलेगी। अब पता नहीं ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन में है इन्होंने कोई भी वहाँ पर लॉन्च इवेंट में बताया नहीं है। तो इनके वेरिएंट प्राइस और कलर की। इसमें जो वेरिएंट मिलेंगे वो दो मिलेंगे, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और इसके बाद जो हमें इसमें कलर मिलेंगे वो दो कलर मिलेंगे, एक डायमंड ग्रे कलर होगा, एक रेड होगा। तो इसके बाद जो इसकी प्राइस होगी वो 4GB और 64GB की वो होगी 21,990 रुपये, और जो 6GB और 128GB स्टोरेज की होगी वो 20,990 रुपये कर होगी। इसके बाद जो इसके माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट की कैपेसिटी होगी वो होगी 256GB तक। तो भाई जो ओप्पो F7 है वो कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग ऑफर के साथ लॉन्च किया है। सबसे पहला ऑफर है कि आपको 1 time स्क्रीन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन टूट जाती है तो जो कंपनी है वो 1 साल के अंदर अंदर उसे न्यू डलवा कर देगी आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट का, उसका भी कोई चार्जेस नहीं लेगी अगर आप फर्स्ट फ्लैश सेल में खरीदते हो जो 2 अप्रैल को होगी। जो सेकेंड ऑफर, आपको 120GB डाटा मिलेगा जियो की तरफ से, वो भी फ्री 120GB का आपको डाटा मिलेगा। और इसके बाद जो थर्ड ऑफर है उसका, अगर आप फर्स्ट फ्लैश सेल में 5% आपको कैशबैक मिलेगा, अगर आप पेमेंट करते हो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और इसके बाद आपको कई फीचर्स मिल जाते हैं, वोल्टी का फंक्शन मिल जाता है, 4G का मिल जाता है, बट आपको डुअल वोल्टी का फंक्शन नहीं मिलता। और इसके बाद आपको फेसियल अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोसेसर है वो इतना भी खास नहीं है, अगर ये स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन लगाते तो अच्छा होता, तो कि इसकी प्राइस भी अगर इतनी प्राइस में आप MediaTek का प्रोसेसर चाहते हो, क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर इतने पावरफुल नहीं होते। ये सिर्फ 2 GHz क्लॉक स्पीड पर है, जो वीवो V9 में मिलता है वो 626 है, वो जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz, वो भी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, बट उसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। ये कंपेयर होता है सिर्फ स्नैपड्रैगन 625 जितना पावरफुल हो सकता है P60 MediaTek का। अब देखते हैं कि कितने, अगर रिव्यू करते हैं तो इसके प्रोसेसर का तो पता चलता है कि जो कितना पावरफुल प्रोसेसर है। प्राइस है वो भी इतनी खास नहीं है, 22,990 रुपये, और इतनी भी अच्छी प्राइस नहीं है, बट अगर ये 18 से या 19,000 के बीच होता तो ये बहुत अच्छा होता। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हो, सिर्फ सेल्फी चाहिए आपको परफॉर्मेंस, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि आपको 25 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलता है और AI बेस्ड आपको कई फेसियल रिकग्निशन इनके ऐप ब्यूटीफाई ऐप कई ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अगर सेल्फी के लवर्स हैं तो आपको ये फ़ोन
जरूर परचेज करना चाहिए, बट इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप Redmi Note 5 Pro परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो मिल नहीं रहा तो आप इसके तरफ भी जा सकते हो। अगर आप रुकना चाहते हो तो Lenovo का फ़ोन भी आ रहा है और Moto का भी फ़ोन आ सकता है, जिसमें रूमर्स आ रहे हैं कि उसमें स्नैपड्रैगन 660 हो सकता है। तो थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेरी पुरानी वीडियो और न्यू वीडियो के लिए तो आप नीचे कमेंट में आस्क HD लगाकर सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहूँ। थैंक यू।